हेलो स्टूडेंट्स, सेल बायोलॉजी के सेल ऑर्गेनल्स के जो वीडियोस हम देख रहे हैं, प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाए हैं और आप लोगों ने अध्ययन किया है, उसी कड़ी में आज लाइसोसोम्स, जो कि एक वीडियो में मैंने लाइसोसोम्स के बारे में बताया है प्रीवियस वीडियो में, इससे पहले वीडियो में, आज पुनः लाइसोसोम्स को डिटेल में नई स्लाइड के साथ और नए कंटेंट्स के साथ और मैं आपको इसको क्लियर कर रहा हूँ। और मेरा मानना है इसको देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्या क्या जानना है हमें इसमें, कंटेंट्स के रूप में इंट्रोडक्शन हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगी, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, अक्रेंस क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम्स क्या है, उसमें कोई पॉलीमॉर्फिज्म मिलती है तो वो क्या है, फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स क्या है, समरी कंक्लूजन, एक ही बात है, रेफरेंसेज यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। लाइसोसोम्स आर स्फेरिकल ग्रेन्यूल्स दैट कंटेन एंजाइम एसिड हाइड्रोलाइसिस। एक गोलाकार संरचना है और जिसमें केवल एंजाइम ही उपस्थित हैं जो हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस कहलाते हैं। दे ब्रेक अप फूड सो इट इज इजियर टू डाइजेस्ट। दे आर फाउंड इन एनिमल सेल्स व्हाइल इन ईस्ट एंड प्लांट द सेम रोल आर परफॉर्म बाई लाइटिक वेक्यूल्स। ईस्ट में और प्लांट्स में लाइटिक वेकुल्स बन जाती हैं, वो इस प्रकार के काम को करती हैं, जबकि एनिमल सेल्स में लाइसोसोम्स उपस्थित होता है जो किसी भी प्रकार का फूड मटेरियल उसको डाइजेस्ट करने का काम भी करता है। लाइसोसोम की जो खोज की थी वो बेल्जियम साइटोलॉजिस्ट थे क्रिश्चियन डी डवे, 1955 में इन्होंने, और यही नाम उन्होंने दिया था सुसाइड बेग और सुसाइड सेक्स करके। ओरिजिन, लाइसोसोम में ओरिजिनेट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी मेम्ब्रेन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ बडिंग ओव। होता क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जैसे भी एंजाइम्स वगैरह बनते हैं, एंजाइम्स एक तरह से प्रोटीन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटीन जो बनते हैं राइबोसोम्स के द्वारा जो प्रोटीन बनते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किनारे में जाते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और फिर यहां से बड्स निकलती हैं जिन्हें वेसिकल्स कहते हैं, और ये यही गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, और फिर यहाँ से मॉडिफिकेशन होके जो फिर दोबारा वेसिकल्स निकलते हैं बडिंग ऑफ के रूप में, वो लाइसोसोम्स का निर्माण करते हैं, तो यहाँ से इनका ओरिजिन होता है। कहने का मतलब गोल्जी एपरेटस से, गोल्जी मेम्ब्रेन का इनका ओरिजिन होगा, लेकिन उसमें जो एंजाइम्स है उनका निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। नोविकोफ ने फाउंड दैट एसिड फास्फोलिपिड्स वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम्स ऑफ द लाइसोसोम, लाइसोसोम्स का ये इन्होंने बताया था कि एसिड फास्फेटेज मेन एंजाइम्स है। लाइसोसोम्स दैट इज ये स्ट्रक्चर बताइए, एनाटॉमी ऑफ लाइसोसोम्स क्या है, ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे, और ये जो मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन है, यूनिट मेम्ब्रेन होगी, सिंगल एकल मेम्ब्रेन होगी। प्रोकैरियोट डू नॉट हैव लाइसोसोम्स बट सम हाइड्रोलाइसिस हैव बीन लोकेटेड आउटसाइड दी सेल्स। लाइसोसोम फाउंड इन हायर एनिमल्स। लाइसोसोम्स क्या है कि ग्लोबुलर एंड इनकी जो रेंज है इतना डायमीटर है 0.2 से 0.8 माइक्रोन तक, और माइक्रोस्कोप के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखते हैं तो ये अपीयर डेंस और फाइनल ग्रेन्यूल दिखता है, और स्फीयर ऑफ लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन कंटेनिंग एंजाइम। द मेम्ब्रेन इंसुलेट द एंजाइम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल्स। इफ द एंजाइम आर रिलीज, यदि एंजाइम्स निकल जाते हैं, मतलब ये मेम्ब्रेन ही इनको काम करती है, एंजाइम को सेपरेट रखने का काम करती है, यदि मेम्ब्रेन समाप्त हो जाए तो ये एंजाइम बाहर निकल जाएंगे, पूरी कोशिका के जो पदार्थ को ये नष्ट कर सकते हैं, इसलिए ये सोसाइड आत्मघाती थैली कहलाते हैं। लाइसोसोम आर बाउंडेड बाई ए सिंगल लाइपोप्रोटीन, सिंगल लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, और ये जो मेम्ब्रेन है ये इम्परमेबल होती है सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम्स कंटेन इन द लाइसोसोम्स। इम्परमेबल जो एंजाइम्स है उनके लिए इम्परमेबल होती है, ठीक है। सर्टेन सब्सटेंसेस कॉल्ड, इसमें जिस तरह के जो सब्सटेंसेस मिलते हैं, पदार्थ मिलते हैं, उनको एक तो कहते हैं लेविलाइजर्स, ठीक है ना, और दूसरे कहलाते हैं स्टेबिलाइजर्स, ठीक है। लेविलाइजर्स का काम है इन स्टेबिलिटी ऑफ द लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन लीडिंग टू रिलीज ऑफ एंजाइम फ्रॉम द लाइसोसोम्स, ये लेविलाइजर का लेविलाइजर। दूसरे सब्सटेंसेस कहलाते हैं स्टेबिलाइजर्स, हैव ए स्टेबलाइजिंग एक्शन ऑन द मेम्ब्रेन,
स्टेबल बनाए रखने का काम जो है वो इनका है। तो लेविलाइजर के रूप में एग्जाम्पल है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन डी, ये लेविलाइजर्स हैं। और स्टेबलाइजर है कोलेस्ट्रॉल, कोर्टिसोन और कोर्टिसोल, ये स्टेबलाइजर्स ग्रुप है। जो कंपाउंड हैविंग ये मोलिकुलर वेट एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द परमेबिलिटी ऑफ द लाइसोसोम मेम्ब्रेन। लाइसोसोम्स की किस प्रकार से स्ट्रक्चर बन रही है, लाइसोसोम ये गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम और फ्यूजन फ्रॉम सेकेंडरी लाइसोसोम, ये कोई फेगोसाइटोसिस के द्वारा कोई पदार्थ आ जाता है जिसको डाइजेस्ट करना है, ये डाइजेस्ट करना है इस पदार्थ को, और ये एंजाइम्स है और ये पूरा मिलकर दोनों चीज जब होंगी फ्यूजन फ्रॉम सेकेंडरी लाइसोसोम ये फिर तो सेकेंडरी लाइसोसोम्स होंगे, नहीं तो एंजाइम्स होंगे केवल तो प्राइमरी लाइसोसोम्स होंगे। इस लाइसोसोम्स में These types of enzymes उपस्थित होंगे। पहला एंजाइम से न्यूक्लियस, इसका काम है राइबो न्यूक्लियस और डीऑक्सीराइबो डीएनए और आरएनए को ब्रेक करना, है ना, किसमें ब्रेक करना, उसको नाइट्रोजन बेसिस में फॉस्फेट और बेंडोज उसकी जो यूनिट है उसमें तोड़ना। फॉस्फेटेज एंजाइम्स एसिड फॉस्फेटेज है, ये करता है फॉस्फेट एस्टर को मोनोफॉस्फेट में फॉस्फेट्स में डिवाइड करता है न्यूक्लियस फॉस्फेटेज। लाइपेज लिपिड का ब्रेक डाउन करेगा उनकी यूनिट्स में। प्रोटीएज प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा उनके अमीनो एसिड्स में। ग्लाइकोसाइडेज बीटा ग्लाइकोसाइडेज हैं, बीटा ग्लूकोरोनिडेज हैं, अल्फा मेनोसाइडेज हैं, ब्रेक डाउन इनटू द पॉलीसेक्राइड टू मोनोसेक्राइड, ये सब जितने पॉलीसेक्राइड हैं उनको मोनोसेक्राइड, क्योंकि मोनोसेक्राइड से पॉलीसेक्राइड बनेंगे तो इनको तोड़ना, दैट इज अ जो मैक्रोमोलिकुल्स हैं उन मैक्रोमोलिकुल्स को जो माइक्रोमोलिकुल्स में तोड़ा जाता है उनके सिंपलेस्ट यूनिट में तोड़ा जाता है उसको डाइजेशन करते हैं, और ये लाइसोसोम वही काम कर रहा है, लाइसोसोम के एंजाइम्स वही काम कर रहे हैं, इसलिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स के। फॉस्फेटेज एक्ट एन सल्फेट एस्टर ब्रेकिंग टू फ्रेगमेंट। न्यूक्लियेजेस फॉस्फेटेज लाइपेज प्रोटीज ग्लाइकोसाइडेज और सल्फेटेज ये एंजाइम्स यहाँ उपस्थित होते हैं। पॉलीमोर्फिज और इसमें मिलती है, दैट इज अ पॉलीमोर्फिज द लाइसोसोम सो पॉलीमोर्फिज इन डिफरेंट सेल टाइप्स एंड इवन विद इन द सिंगल सेल, केवल एक ही सेल्स में, अलग अलग सेल्स में तो होती है लेकिन केवल एक सेल्स में भी अलग अलग रूप में एक ही सेल्स में लाइसोसोम्स के दो प्रकार के रूप मिलना पॉलीमोर्फिज कहलाता है, बहुरूपता कहलाती है। प्रीवियसली दे आर टू टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी लाइसोसोम जिसमें कि केवल एंजाइम्स थे, सेकेंडरी लाइसोसोम जिसमें कुछ फूड मटेरियल आ गया, दैट इज सेकेंडरी। द लेटर आर ऑफ थ्री टाइप, फेगोसोम्स हो सकते हैं, रेजिडुअल बॉडीज हो सकते हैं, ऑटोफेगिक वेहिकल्स होते हैं। ये तीनों प्रकार जो है लाइसोसोम्स के प्रकार हैं, रूप हैं, फेगोसोम्स, रेजिडुअल बॉडीज और ऑटोफेगिक वेहिकल्स। ये एक क्रमिक स्टेज है उसकी जो लाइसोसोम देखने को मिलती है। क्या है ये तीनों? प्राइमरी लाइसोसोम इज फॉर्मड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स, जो बनता है वो प्राइमरी लाइसोसोम से है, उसमें एंजाइम्स होते हैं, उसमें एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। द एंजाइम ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज बाय द राइबोसोम्स, है ना, राइबोसोम। इट कैन सीक्रेट इट्स एंजाइम आउटसाइड द सेल और स्टोर, या तो सेल के बाहर हम सीक्रेट करते हैं ये एंजाइम या स्टोर करके रखता है, ये प्राइमरी लाइसोसोम से। फेगोसोम इज फॉर्मड बाय फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस ऑफ फॉरेन मटेरियल, द फेगोसोम एसोसिएटेड विद प्राइमरी लाइसोसोम्स, ठीक। फेगोसाइटोसिस के ज्यादा फेगोसा उसमें प्राइमरी लाइसोसोम और जुड़ जाते हैं, अंडरगोस फ्यूजन टू फॉर्म सेकेंडरी लाइसोसोम, फेगोसोम्स के साथ जुड़ के ये सेकेंडरी लाइसोसोम्स बना लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम और फेगोसाइट जो मेटेरियल आया या पिनोसाइटोसिस से जो मेटेरियल आया उसके साथ प्राइमरी लाइसोसोम जब जुड़ जाता है तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाता है। रेजिडुअल बॉडी इफ द फाइनल पार्टिकल्स कंटेनिंग इनडाइजेस्टिबल मेटेरियल इट इज फॉर्मड व्हेन डाइजेशन इज इनकम्प्लीट। रेजिडुअल बॉडी जब कोई भी फेगोसाइटोसिस के द्वारा या पिनोसाइटोसिस के द्वारा फूड मटेरियल आ रहा है उसका सेकेंडरी लाइसोसोम उसका डाइजेशन कर रहा है, डाइजेशन करने का जो भी मटेरियल है वो सेल में उपयोग में आ जाता है, उसके बाद इनडाइजेस्टेड जो पाचित नहीं हुआ है भोजन वो बचा रह जाता है, तो वो कहलाता है रेजिडुअल अवशेषी काय, और इस अवशेषी काय को कोशिका से बाहर निकालना जरूरी होता है, ठीक है, ये बाहर निकाल दी जाती है, इसका कोशिका में कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। चौथा है ऑटोफेगी वेहिकल्स और ऑटोफेगोसोम इज ए लाइसोसोम कंटेनिंग सम पार्ट ऑफ सेल इन द प्रोसेस डाइजेशन। ऑटोफेगी मतलब कोशिका का ही कोई पार्ट है
कोशिका का कोई अंगक नष्ट करना है, कोई पार्ट है, उसको जब इसने लाइसोसोम ने नष्ट करने के लिए क्या है, तो ये ऑटोफेगोसोम्स कहला, ऑटोफेगी, स्वयं के ही भक्षण करना, स्वयं भक्षण करना। इन्हीं सभी रूपों को बताते हुए, प्लाज्मा के फंक्शन को, लाइपोसोम्स के फंक्शन को बताते हुए और इनके पॉलीमोर्फिज को बताते हुए एक डायग्राम है जिसमें ये लिख दिया डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट फेजेस क्या क्या होगी। हम प्रारंभ करते हैं यहाँ से, ये न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स लगे हुए, और राइबोसोम्स हमें प्रोटीन संश्लेषण की इकाई है, यहाँ प्रोटीन संश्लेषण होता है और प्रोटीन संश्लेषण के एंजाइम्स बनते हैं। ये एंजाइम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में आ जाते हैं, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर पुराने वीडियोज में जान ली है, और उसके बाद ये इसका कनेक्शन गोल्जी बॉडीज होता है, तो यहाँ से ये वेसिकल्स टूट के निकलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी में जाते हैं, गोल्जी बॉडी ल्यूमन में इनका मॉडिफिकेशन वगैरह होता है एंजाइम्स का, और इनके ये फिर ये वेसिकल्स निकलते हैं यहाँ से, ये जो वेसिक ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं ये निकलते हैं, इनके अलग अलग काम है जिसमें से एक काम इनका लाइसोसोम का निर्माण भी है, तो ये लाइसोसोम्स का निर्माण हो जाता है, दैट इज द प्राइमरी लाइसोसोम जिसमें एंजाइम्स है, ठीक है, बना ये गोल्जी बॉडी से, लेकिन इसके एंजाइम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने प्राइमरी। दूसरी तरफ हम चलते हैं, यदि इस कोशिका के अंदर कोई बाहर का मटेरियल आता है, फेगोसाइटिक, ये कहलाते हैं फेगोसाइटिक वेसिकल्स, फेगोसाइटोसिस के द्वारा ये पिनोसाइटिस के द्वारा, तो इस तरह के बाहर का जो मटेरियल आया, फूड मटेरियल आया, उसको कहते हैं फेगोसोम्स। जब इस फेगोसोम्स के साथ ये प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज हो जाता है, तो ये फ्यूज वाली संरचना हमारी कहलाती है सेकेंडरी लाइसोसोम्स, ठीक है, फेगोसोम्स आया और प्राइमरी लाइसोसोम जुड़ा, तो ये दोनों मिलकर सेकेंडरी लाइसोसोम्स बनती है। अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम्स का काम है कि इस ये एंजाइम इस पदार्थ का डाइजेशन कर रहे हैं, इनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहे हैं, और तोड़ने के बाद जितना भी उपयोग का पदार्थ है वो कोशिका में छोड़ दिया जाता है, और जो इनडाइजेस्टिव पदार्थ है वो कहलाता है रेजिडियल बॉडी, और इस रेजिडियल बॉडी का अवशेष इकाई है, तो इसमें से इनडाइजेस्टिव पार्ट को बाहर कोशिका के बाहर छोड़ दिया जाता है, ठीक है, फिर उसका क्या फैट रहेगा वो आगे निर्भर करता है, ये बाहर छोड़ दिया। दूसरा आते हैं कि ये प्राइमरी लाइसोसोम से, तो ये प्राइमरी लाइसोसोम दूसरा ये काम करती है कि अपना जो एंजाइम्स हैं, जो सीक्रेशन है, वो कोशिका के बाहर छोड़ेगी, जिसे कहा जहां एंजाइम्स को जाना है वहां काम आ जाएगी, एक ये सीक्रेशन देती है, सीक्रेशन, तो ये प्रमुख काम है इसका सीक्रेशन, इस तरह से सीक्रेशन करना, सेकेंड ये डाइजेशन करना, ये दो काम है और ये अलग अलग रूप है, ठीक है, क्लियर। इस डायग्राम से मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि लाइसोसोम क्या काम करता है, प्राइमरी लाइसोसोम क्या है और सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है, रेजिडियल बॉडी और फेगोसोम क्या है, ठीक है, ओके। लाइसोसोम, अब हम आते हैं इसके फंक्शंस के, कि क्या क्या फंक्शन करता है। द लाइसोसोम इज एसेंशियली बैग, एक बैग है जिसमें एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, और जब ये निकल जाएंगे तो ये काम करेंगे, तो लाइसोसोम सर्व सेवरल फंक्शन, पहला है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, कोशिका के बाहर का डाइजेशन, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, कोशिका के अंदर ही डाइजेशन करना, ठीक है, हार्मोन का सीक्रेशन करना, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना, ऑटोलाइसिस की क्रिया करना और क्रोमोसोमल ब्रेक करना, पुराने वीडियोज में भी मैंने ये सारे फंक्शन इसी कैटेगरी के और इसी हेडिंग के साथ बताए थे, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या क्या है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब है कि जो न्यूक्लियस से लाइसोसोम्स में जो एंजाइम्स होते हैं वो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स बाहर निकलते हैं और बाहर कोशिका के बाहर जो पदार्थों को नष्ट करना है, दैट इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज ए टू वे प्रोसेस इन्वॉल्विंग बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। द प्राइमरी लाइसोसोम सीक्रेट हाइड्रोलाइजेस इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बाय एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस द्वारा यह हाइड्रोलाइजेस एंजाइम्स को बाहर निकालेगा, और ये पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ द मैट्रिक्स, द इनकम्प्लीट प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन आर एब्जॉर्ब इनटू द सेल बाय एंडोसाइट्स, डाइजेशन इज देन कंप्लीट इन द सेकेंडरी लाइसोसोम। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग बोन एरोजन प्रोसेस, बोन एरोजन प्रोसेस के वक्त ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में इन्वॉल्व ऑटोफेगी एंड हेट्रोफेगी, ये दो प्रकार का होता है इंट्रा सेलुलर, ऑटोफेगी हो गया और हेट्रोफेगी का। ऑटोफेगी में ये स्वयं की कोशिका जो है उसका कोई ऑर्गेनल्स को नष्ट समाप्त करना है, तो ब्रेक डाउन करना है, तो वो दैट इज अ ऑटोफेगी, इट इज अ इंट्रा सेलुलर डाइजेशन इन विच एंजाइम प्रोड्यूस बाय द सेल ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स एंड पीसेस ऑफ साइटोप्लाज्मिक मैटेरियल सेल इटसेल्फ के,
और हेट्रोफेगी इट इज द इंटेक ऑफ एक्सोजिनस मैटर, जब बाहर से कोई पदार्थ आता है उसका डाइजेशन करना है तो वो हेट्रोफेगी एंड डाइजेशन करेगा। हेट्रोफेगी है टू टाइप्स, फेगोसाइटोसिस के द्वारा कोई मटेरियल आया वो, और पिनोसाइटोसिस के द्वारा मटेरियल आया उन दोनों को डाइजेशन करना तो वो कहलाएगा हेट्रोफेगी। हार्मोन सीक्रेशन, हार्मोन का सीक्रेशन करना, ठीक है, जितने भी हैं दे आर एविडेंस दैट लाइसोसोम फाइडोलाइसिस आर इन्वॉल्व द सीक्रेटरी एक्टिविटीज ऑफ सम सेल्स, सीक्रेटरी एक्टिविटीज में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा जो भी है ये लाइसोसोम्स है और ये थायरोग्लोबुलिन को आया कोलाइड और इनके द्वारा ये हार्मोन्स निकलेंगे और हार्मोन्स सीक्रेट होंगे, हार्मोन सीक्रेट। दे फंक्शन इन मॉडिफाइंग द प्रोडक्ट सिंथेसाइज बाय द सेल बिफोर सीक्रेशन एंड आल्सो इन द रेगुलर सीक्रेशन, मतलब जो भी पदार्थ है उनको सीक्रेट करने का काम है, उनका मॉडिफिकेशन करने का, रिलीज करने का, हार्मोन सीक्रेशन काम इस गोल्जी बॉडी का है। फर्टिलाइजेशन में ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो एक्रोसोम है जिसे हम जेंट लाइसोसोम कहते हैं, और ये एक्रोसोम में लाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो एक की मेम्ब्रेन को रैप्चर करते हैं, तोड़ते हैं, जिसके द्वारा स्पर्म का जो है केंद्रक उसके अंदर प्रवेश करता है। दीज एंजाइम डाइजेस्ट द एग मेम्ब्रेन एंड प्रोवाइड वे फॉर द एंट्री ऑफ द स्पर्म मॉलिक्यूल्स इन द एग, ठीक है, ये इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में मदद करते हैं। ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में पुराने वीडियो में इसी स्लाइड को मैंने दिखाया था किस प्रकार से ये करता है। ऑटोलाइसिस, दैट इज द ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस मतलब अपनी ही कोशिका के कुछ इनको नष्ट करना, ऑटोलाइसिस स्वयं के, रेफर टू द डाइजेशन ऑफ ओम सेल, स्वयं की सेल्स को बाय द लाइसोसोम, और यह है फ्रॉग का जो मेटामॉर्फोसिस होता है तो उसमें यह जो टेल है, टेटबॉल की जो टेल होती है उसको ये समाप्त करना और इसको नष्ट करना, अपने अंग को नष्ट करना, दैट इज द ऑटोलाइसिस का एक प्रमुख है। इसी प्रकार इंसेक्ट्स में ये मेटामॉर्फोसिस में भी ऑटोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, ठीक है, ये वेल नोन उदाहरण है। हम फ्रॉग का जब भी मेटामॉर्फोसिस या रूपांतरण पढ़ते हैं तो टेटबॉल से ये टेल नष्ट होती है, तो ये लाइसोसोम की प्रमुख भूमिका है। क्रोमोसोमल ब्रेक, क्रोमोसोमल क्योंकि इसमें डीएनए करके एंजाइम से तो ये डीएनए और उनको करता है, और उसके कारण जो भी एबनॉर्मलिटीज वगैरह होती हैं, कोई भी प्रकार की डिजीज अगर लाइक लगती है कैंसर तो वो हो सकती है। ये पूरा लाइसोसोम्स की स्ट्रक्चर फंक्शंस के बारे में पढ़ा, यदि इसको हम पूरा अगर समराइज करें तो यह है कि ये एक स्मॉल वेसिकल्स है सेरो ऑर्गेनल्स की, और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनेगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बने हुए एंजाइम्स में होंगे, और जो एंजाइम्स होंगे वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे और ये एक डाइजेशन में प्रमुख भूमिका निभाएगा, और जो एंजाइम्स है न्यूक्लियेज है, फॉस्फेटेज है, लाइपेजेस, प्रोटीजेस, ग्लाइकोसाइडेज, सल्फेटेज, ये एंजाइम्स यहाँ उपस्थित होंगे, और ये उन सेल्स में सबसे ज्यादा होगा जहाँ एंजाइमेटिक सीक्रेशन हो रहा है या रिएक्शन हो रही है या सीक्रेशन, सच एज लीवर सेल्स में, पैंक्रियाटिक सेल्स में, किडनी सेल्स में, स्प्लीन सेल्स में, इनमें ये लाइसोसोम बहुत अधिक मात्रा में होगा। ये एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेन्स के रूप में है और इसका प्राइम फंक्शन है ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे कंटेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है ना, ये काम का। ड्यूरिंग स्टारवेशन ऑर्गेनिज्म लाइसोसोम सो ऑटोफेगी, जब स्टारवेशन की कंडीशन होती है तो ऑटोफेगी दिखाता है और स्वयं ही अपनी कोशिका को नष्ट करता है, वहां से ये एनर्जी लेता है। और क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी भी होती है ड्यू टू देयर डीएनएज एंजाइम्स के कारण क्रोमोसोम एक्टिविटीज। ये सारा जो रेफरेंस लिया गया सीवी पावर की बुक है, थर्ड एडिशन सेल वाली वाइज सीवी पावर, उसमें से यहाँ से लिया गया है, और बाकी के और रेफरेंसेज हैं आपको ये मिल सकते हैं, ठीक है। ओके थैंक यू, ये आज आपका लाइसोसोम एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन आपका कंप्लीट हो गया। इन दो वीडियोज के द्वारा हमने लाइसोसोम की पूरी स्ट्रक्चर और फंक्शंस वगैरह में समझ लिया है, कौन कौन से एंजाइम्स के बारे में जान लिया। मैं जहाँ तक समझता हूँ आपके कंसेप्ट क्लियर हो गएंगे और इनको पढ़ें और आगे तैयार करें। ओके थैंक यू।